post the attack on former India cricketer and Delhi and District Cricket Association chairman of Senior Selection Committee Amit Bhandari, the DDCA has taken two important decisions. In an exclusive chat with NNIS, DDCA President Rajat Sharma said the association will have precautionary measures for such threats in future and stop the entry of outsiders during trials. दो काम हमने किए हैं. पहला तो ये कि किसी भी प्लेयर को, किसी भी सेलेक्टर को, किसी भी कोच को अगर कोई धमकी मिलती है तो हम उनसे ये कहेंगे कि वो DDCA को इन्फॉर्म करें. जब DDCA के पास में जानकारी होगी तो हम प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं. अगर अमित भंडारी को कई दिन पहले थ्रेट मिली थी, अगर उन्होंने हमें बताया होता तो मैदान में हम लोग पुलिस से बात कर सकते थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते थे. दूसरा स्टेप हमने ये लिया है कि जब ट्रायल्स होंगे, जहाँ पर सेलेक्टर्स मौजूद होंगे, कोच मौजूद होंगे, मैनेजर मौजूद होंगे, वहाँ पर सेलेक्शन के वक्त में, ट्रायल्स के वक्त में, हम किसी आउटसाइडर को अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं देंगे. सिर्फ प्लेयर्स आएंगे, कभी कभी उनके साथ पेरेंट्स आते हैं, कभी उनके भाई बहन आते हैं, कभी उनके दोस्त आते हैं. इन सब लोगों को क्रिकेट ग्राउंड से बाहर रखा जाएगा. Bhandari was attacked in New Delhi on Monday afternoon at the St. Stephen's Ground, where the trials of the U23 team were going on. The attackers were suspected to be U23 aspirants who reportedly weren't selected in the team.